नमस्कार, गुप्त न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं सुल्तानगंज के रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जहां पर कि विक्रमशिला ट्रेन आने वाली है, जो कि दिल्ली के की ओर प्रस्थान करेगी। भीड़ का नज़ारा देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज कुछ ऐसा खास भीड़ नहीं है, नहीं तो यह ट्रेन कभी खाली दिल्ली की ओर नहीं जाती है, हमेशा भीड़ ही नज़र आती है। लेकिन आप इस भीड़ को समझ सकते हैं कि दशहरा के बाद जो लोग गांव आते हैं दशहरा पूजा में, वह कम से कम तो 10-20% लोग गांव में ही रह जाते हैं, वो छठ पूजा करने के बाद ही वापस होते हैं। इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग दशहरा पूजा के बाद शहर कम लोग जा रहे हैं, दिल्ली की ओर कम लोग जा रहे हैं, नहीं तो इस ट्रेन में हमेशा भीड़ बनी रहती है। आप इस भीड़ को देखते हुए ये समझ सकते हैं कि ट्रेन आने वाली है और कुछ ही देर में अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन में किस तरह का भीड़ है, और भीड़ देखकर ही आप समझ जाएंगे कि कोई खास भीड़ नहीं है। आप इस ट्रेन को देख सकते हैं, ट्रेन में लोग उतना मारा मारी नहीं कर रहे हैं, ना तो चढ़ने में ना तो उतरने में, नॉर्मल रूप से लोग आराम से चढ़ गए। अब यह ट्रेन कुछ ही क्षणों में खुलने वाली है, और यह ट्रेन खुलने के बाद प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगी। उसके बाद सामान ले लिया आते रहेंगे कि देखिए ये ट्रेन है जो दिल्ली की ओर जा रही है, और उतना कोई खास भीड़ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बने रहिए, यह ट्रेन खुल रही है और ये धीरे धीरे खुलने लगी, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन जाने के बाद किस तरह से प्लेटफॉर्म दिख रहा है। यह ट्रेन धीरे धीरे खुल चुकी है और यह दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है। Thank you.